तो गाइस जो आइटो लियो का जो सिलसिला है अभी भी मेरे साथ चालू है भाई, आप लोगों के साथ चालू है कि नहीं चालू है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे तो मेरा पूरा के पूरा दिमाग खराब हो चुका था आपके सामने, देखो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा ठीक है ना, तो आपको स्टार्टिंग में दिखा दे रहा हूँ ये गेम प्ले, आप लोग ध्यान से देखना। मतलब दो गेम ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मतलब गाइस मिनी क्रेन ने अभी तक की गिलेज अभी तक की फिक्स नहीं किया, और यहाँ पे मैं इधर उधर करते देखता हूँ भाई कुछ हो जाए, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक और गेम प्ले कनेक्ट करता हूँ, मैंने बोला डबल से उसी के बंदे के साथ मेरा गेम प्ले कनेक्ट हो जाए, पर दूसरे बंदे के साथ मेरा गेम प्ले कनेक्ट होता है ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो वही सीन होता है मेरे साथ, और यहाँ पे देखो गेम प्ले लग चुका है और कोई कट नहीं लगाया मैंने ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे आपके सामने देखो सब चीज़ आपके सामने होने वाली है, और यहाँ पे देखो जो बंदा है ना भाई यहाँ पे मैसेज पे मैसेज करते जाता है मुझे, यहाँ पे देखो भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलता हूँ वालेकुम अस्सलाम ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखना भी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी से, आप लोगों ने इसके जो टाइमलाइन चल रही है ना उसके फोटो के उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अभी नीचे देखो जो वेटिंग फॉर ओपनेंट प्लेस बता रहा है, मतलब नेट स्लो है अपने सामने वाले का ठीक है ना, तो आप लोगों को पता होगा क्यों दिखाता है ऐसा, सामने वाले का नेट स्लो है तो ऐसा दिखाता रहता है। और यहाँ पे देखो मैं इमोजी करते जा रहा हूँ, वहाँ पे जो अपने ओपनेंट की जो फ्रेम मतलब फ्रेम है ना वहाँ से टाइमलाइन हट चुकी है गाइस, ध्यान से देखना अभी तक की हट चुकी है, पर अभी तक की मुझे ट्रेन नहीं मिली। और ध्यान से देखो यहाँ पे भाई मैसेज करते जाता है, और यहाँ पे देखो बंद करो हाथ जोड़ के मैं, ये भगवान क्या जुलूम है। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई अभी तक की जो ये ग्लिच है अभी तक की फिक्स नहीं किया मैंने क्लिप ने। और गाइस आप लोगों के साथ हो रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई मेरे साथ अभी तक क्यों हो रहा है यार, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्या ही बोलो आप लोगों को, मतलब यार बहुत परेशान करके रख दिया अभी ऊपर से ऑटो प्ले वालों ने, और बाद में ये अभी ये नया सीन चालू हो गया, आपको तो पता होगा अभी अभी ये दो बार ऑटोमेटिकली कट हो गया गेम मेरा यार, क्या ही बोलो आप लोगों को गाइस। और यहाँ पे अच्छा मैं छोड़ता हूँ भाई और अपना तीसरा गेम कनेक्ट करता हूँ, पर गेम को मैं क्लोज मारता हूँ भाई, डेढ़ घंटे के बाद ऑनलाइन आता हूँ फिर मैं गेम में, फिर बाद में कुछ गेम प्ले मैं करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह से मैं गेम प्ले करूँगा या, और ये वाले गेम में आपको बहुत ही प्यारा सा एक ट्रिक शॉट टेक्निक मिलने वाला, मतलब रिलीज शॉट है पूरा ब्लॉक हो जाता है रास्ता, और उसको किस तरह से मैं पोर्ट करता हूँ आप लोगों ने ध्यान से देखना इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो अपन मुंबई एरिया में तो गेम प्ले करने वाले आपको बताऊँगा, और कुछ न्यूयॉर्क के भी गेम प्ले डालो इस वीडियो में, तो आप लोगों ने प्लीज़ एंड तक बने रहना है। और भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हुआ तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोगों ने, और चैनल अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, 3 लाख सब्सक्राइब अपने बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले गाइस, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया तो। और गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो जो चारों कॉइन है मेरे पूरे के पूरे फंस चुके हैं, ये जो मैंने आपको बोला था अच्छा ट्रिक शॉट टेक्निक मिलने वाला आप लोगों को इस वीडियो में, ये ध्यान से देखो किस तरह से मैं इसको अभी पोर्ट करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों ने, तो आपको इशारे के साथ दिखा रहा हूँ। तो चलो मैं मारता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ट्रिक शॉट अपना चले जाता है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये शॉट गाइस। और क्योंकि तीनों कॉइन जो फंसे हुए थे उसको निकाल लेता हूँ मैं आसानी से, फिर टॉप राइट में इसको मारता हूँ, जो रेड वाली कॉइन है भी थोड़ा थम में ला लेता हूँ उसको मैं, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसको पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना जो लास्ट वाली जो कॉइन है उसको कट मारेंगे आराम से, और चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे, और नेक्स्ट गेम प्ले होने वाला है न्यूयॉर्क में ठीक है ना गाइस। तो चलो भाई आ चुके अपन नेक्स्ट गेम प्ले पे, तो छोड़ो गाइस न्यूयॉर्क का गेम प्ले, आपको सबसे पहले तो जो कैरम पास है वो ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे भाई आप जो कैरम पास की वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो भाई, स्टैगर ही नहीं ओपन हो रहा है गाइस, तो क्या मैं कैरम पास की वीडियो लेके आऊँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ ना गाइस यार, मतलब 4-5 महीने से यार अपने को स्टैगर एक भी ओपन नहीं हुआ है यार बॉक्स में, आपको तो पता होगा भाई, मतलब क्या हो चुका है क्या लोग समझ में आ रहा है ग्रैंड मास्टर चेस्ट को, और कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मिनी क्लिप कौन से नशे करके बैठा है, मतलब एक भी स्टैगर मुझे दे रहा नहीं अभी तक के भाई, और 4-5 महीने हो गए मेरे ख्याल से, बहुत से लोगों को तो मिल भी नहीं रहा होगा भाई कैरम पास में, कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई इमोजी के लिए जो ले अपना बॉक्स है मास्टर ग्रैंड मास्टर चेस्ट उसके लिए कैरम पास ले रहे मुझे पता है, और पर यहाँ पे कोई ग्रैंड मास्टर चेस्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे अभी तक के, तो नहीं मिल रहा है मतलब 4-5 महीने हो चुके हैं, और आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं मिला प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना 5 महीने में। और मेरे ख्याल से मेरे कहने बहुत सारे स्टैगर ओपन हो चुके, तो उसकी स्पेस खुल रही है अपने को बार बार, आप लोग देख सकते हो बॉक्स में क्या क्या ओपन हो रहा है अपने को, यहाँ पे जो स्टैगर मुझे ओपन है भाई उसके कुछ पार्ट ओपन होते जा रहे हैं हर वीडियो में, मतलब हर बॉक्स में मैं भी कुछ भी बोलते जा रहा हूँ यार यहाँ पे। तो चलो मैं चारों के चारों मतलब पाँचों के पाँचों बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, मैंने 1 मिनट का वीडियो था, चलो मैंने वाला ग्रैंड मास्टर चेस्ट है आपको ओपन करके दिखाता हूँ शॉर्टकट में, और भाई फिर से मुझे कुछ नहीं मिलता है। और भाई अपन आ चुके हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, अपन न्यूयॉर्क की गेम प्ले में, और थोड़ा ये शॉर्ट वीडियो ध्यान से देखना आप लोगों ने किस तरह से मैं जो अपनी जो कॉइन है रेड वाली कॉइन किस तरह से मारूंगा, और यहाँ पे दो कॉइन बहुत खतरनाक फंसे हुए थे अपने। अब देखो यहाँ पे जो कॉइन दिख रही है ना आप लोगों ऊपर में, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं बैलेंस के साथ जो ब्लैक वाली कॉइन को चिपकी हुई उसको पहले पोर्ट करता हूँ आराम से, और भाई इसको ईजिली पोर्ट कर लेता हूँ। अब देखो रेड वाली जो कॉइन है भाई उसको मैं थोड़ा सा क्रॉस खेलूँगा सामने, ब्लैक कॉइन ध्यान से खेलना पड़ेगा, और जो फंसी हुई कॉइन रहती है वो भी निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो कनेक्शन है भाई यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस के साथ
खेलना होगा, थोड़ा दूर ले लेता हूँ स्टैगर फिर से मैं, और यहाँ पे बहुत ही आराम से बैलेंस के साथ खेलने वाले इस शॉट को, और आसानी से इस वाले शॉट को भी मैं पोर्ट कर लेता हूँ कॉइन को। और यहाँ पे ध्यान से देखो टॉप फ्लिप में इसको इजीली पोर्ट कर लेता हूँ, और भी चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले में, थोड़ा सा हार्ड गेम प्ले था गाइस। चलो आ चुके हैं नेक्स्ट गेम प्ले अपने, और गाइस ये बहुत ही प्यारा सा मतलब आपको ब्रेक टू ब्रेक देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह से मैं जो लास्ट वाले जो दो कॉइन रहते बहुत ही आराम से मैं फंसे हुए कॉइन रहते हैं, और बहुत ही आराम से मैं उसको दोनों कॉइन को पोर्ट कर भी लेता हूँ। और ध्यान से देखना इसको सबसे पहले तो मैं टॉप और राइट में पहले कट मारूंगा, जो सेंटर के जो कॉइन है वो निकाल लूँगा इजीली, थोड़े से कुछ कॉइन निकाल लिया मैंने, रेड वाली कॉइन निकल चुकी है फिलहाल, तो मैं इसको फुल पावर में मारता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कुछ रिलीज हो सकती है कि अपनी कॉइन, पर कुछ नहीं होता गाइस। तो टॉप लेफ्ट में इसको पोर्ट कर लेता हूँ और इसकी मदद से निकालने की कोशिश करता हूँ, एक कॉइन निकल भी जाती है अपनी अच्छी तरह से, और यहाँ पे मैं इसकी मदद से पूरे जो कॉइन अपने पोर्ट कर लूँगा। तो टॉप राइट में इसको कट मारता हूँ इजीली। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, तो इस वाली जो कॉइन को मैं सबसे पहले कट मारता हूँ टॉप राइट में फुल पावर में, स्टैगर की फुल पावर खींचता हूँ, और यहाँ पे जो कॉइन है भी दोनों कॉइन को थोड़ा सा रास्ता क्लियर करता हूँ। पर यहाँ पे देखो सामने से और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से थोड़ा रास्ता ब्लॉक है, तो दोनों सेंटर मतलब जो अपने ऊपर के जो कॉइन है उन दोनों के सेंटर में से अपने जो कॉइन निकालूंगा मैं, और बहुत ही आराम से पोर्ट करूँगा गाइस, ध्यान से देखना ये वाली कॉइन को, और बहुत ही आराम से ये कॉइन पोर्ट भी हो जाती है भाई, और लास्ट वाली जो कॉइन फंसी हुई है उसको आप रिबाउंड शॉट मार के पोर्ट कर लेंगे, मतलब रिटर्न खींच के, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले मैं इसको टॉप राइट में मार लेता हूँ, अब जो लास्ट वाली जो कॉइन है उसको रिटर्न खींच के इसको इजीली पोर्ट कर लूँगा मैं। तो चलो भाई इसको मैं पोर्ट करता हूँ टॉप लेफ्ट में बॉटम राइट में सॉरी। तो चलो यहाँ पे इजीली पोर्ट कर ले, और नेक्स्ट गेम प्ले आप लोगों ने मिस नहीं करना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि गाइस आप लोगों को इस जो न्यूयॉर्क के गेम प्ले में आपको ट्रिक शॉट देखने को मिलने वाला है, जो कनेक्शन शॉट है ना गाइस मतलब नेक्स्ट लेवल कनेक्शन शॉट मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में, इस वाले गेम प्ले में। तो चलो क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्ट्रेट कट लगा लेता हूँ अपने कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ ब्रेक लगा के। अब यहाँ पे जो ये वाली कॉइन थी मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ टॉप लेफ्ट में कट मार लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ कॉइन तो बुझे अच्छी तरह से अपने रिलीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप लेफ्ट में इसको कट मार लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे भाई कॉइन मेरे फंसते जा रहे थे आप लोग देख रहे होंगे, और मैं यहाँ पे जो ये वाली जो कॉइन रहती है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले तो इसको पोर्ट करता हूँ, इसकी मदद से हॉर निकालने की ट्राई करता हूँ, पर एक कॉइन निकलती है भाई। सबसे पहले तो मैं इस वाली कॉइन का कनेक्शन मारता हूँ, फुल पावर में मारूंगा, ठीक है ना, जो अपनी फंसी हुई कॉइन है उनको निकालने की ट्राई करूँगा, और भाई एक कॉइन तो लगभग निकल भी जाती है भाई। और उसको क्या करता हूँ मैं अभी इस वाली कॉइन को मारता हूँ भाई, उसको नहीं छेड़ता हूँ टॉप राइट वाले कॉइन को। तो सबसे पहले तो मैं टॉप लेफ्ट में इसको मारूंगा, फिर बाद में देखता हूँ भाई कौन सी कॉइन पोर्ट कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाली जो कॉइन थी मैंने छोड़ दिया था, लास्ट वाली कॉइन नहीं इसके पहले की कॉइन, उसको मैं पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे डबल से मैं फंस जाता हूँ, पर मेरे पास रहती है रेड वाली कॉइन, तो मैं टॉप राइट में इसको मारता हूँ भाई, और देखता हूँ भाई निकलती है कि नहीं अपनी कॉइन। तो लो भाई एक और कॉइन फंस चुकी है, अब ध्यान से देखना ये वाली जो कॉइन है भाई अपने पास, सबसे पहले ऊपर वाली जो कॉइन है भाई उसको मैं पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट में, और बहुत ही आसानी से पोर्ट हो जाती है। और यहाँ पे ट्रिपल कनेक्शन शॉट अपने को लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से रिक्स उठा के टॉप लेफ्ट में। तो चलो मैं ट्रिपल कनेक्शन शॉट मार लेता हूँ यहाँ पे टॉप लेफ्ट में, तो आसानी से अपना जो शॉट रहता है ना गाइस पोर्ट हो जाती है। और ये शॉट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे। और गाइस इस वाले गेम में नहीं है भाई, मैं अंधाधुंध में ही गेम प्ले करते रहता हूँ, ध्यान से देखना इतना फास्ट खेलूंगा ना इसमें मैं, आप भी बोलोगे भाई क्या खेल रहे हो नाजिम भाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कनेक्शन मार दो फुल पावर में, और फिलहाल देखता हूँ मैं एक कॉइन निकली हुई थी मेरे पास, तो इसको मैं क्या करता हूँ रिबाउंड शॉट मार दो टॉप लेफ्ट में, जो कॉइन फंसी हुई रहती है उसको थोड़ा सा शिवर करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई वही मेरे पास कॉइन है लास्ट वाली, जो कॉइन मैं निकाल सकता हूँ बाकी अपने सेंटर के जो कॉइन है। तो चलो मैं इसको कट मारता हूँ टॉप राइट में, जो सेंटर की जो कॉइन है भाई उसको निकालने की ट्राई करेंगे, और अच्छे खासे तीन कॉइन भी रिलीज हो जाते हैं, मतलब दो कॉइन। तो ध्यान से देखना सबसे पहले तो कनेक्शन मार दो टॉप लेफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड वाली कॉइन है भी उसको निकालना था मुझे, तो मैं टॉप लेफ्ट में इसको मारता हूँ, जो रेड वाली कॉइन रहती है वो निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक कॉइन फंसी हुई है, सिर्फ डिफिकल्ट अपने को, तो सबसे पहले मैं रेड वाली कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर जो अपनी ब्लैक कॉइन है, आप लोग ब्लैक कॉइन्स बोल सकते हो भाई इसको, तो टॉप फ्रेंड में मैं इसको मार लेता हूँ, नाम नहीं पता है मुझे। और जो कॉइन फंसी हुई थी उसको थोड़ा सा रास्ता मैं बना लेता हूँ, पर कुछ भी नहीं फायदा होता है। तो मैं क्या करता हूँ भाई बैक शॉट खींचता हूँ, और आसानी से कॉइन को भी मैं पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे होता अपना गेम पे खत्म गाइस, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप लोगों ने, और भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ आप लोगों को कल, तब के लिए बाय बाय।